दोस्तों स्वागत है आपका एक और प्यारे से वीडियो में। और आज की जो प्रॉपर्टी है वो आपकी होने वाली है 22x65 की। ईस्ट फेसिंग का हाउस है, बहुत ही शानदार तरीके से इसे डिजाइन किया हुआ है। तो एक बार आप इसका जो फ्रंट का जो काम है, एलिवेशन जो है वो इसका आप एक बार देखिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको इसमें वर्क मिलने वाला है। बालकनी की जो साइज है वो भी बहुत ही प्यारी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। यहाँ पे आपका जो मेन डोर है उसकी डिजाइन एक बार आप देख लीजिए। अभी रैंप वगैरह का काम यहाँ पे पेंडिंग है, बाकी अंदर का काम कंप्लीट हो चुका है। तो कंप्लीट में आपको टूर कराने वाला हूँ। वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करना है। चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। अब देखिए यहाँ सामने की तरफ आप देखेंगे तो जो यहाँ का सराउंडिंग एरिया है वो कुछ इस तरीके का है। और ये प्रॉपर्टी आपके जयपुर शहर में वैशाली वेस्ट में गांधी पथ पे लोकेटेड है। देखिए इस हाउस में आपको पार्किंग के लिए बहुत ही अच्छी जगह मिल जाती है। दो कार है, इजीली आप यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। दो यहाँ पे सेपरेट जो गेट है आपके वो यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आपकी जो एंट्री है वो डिस्टर्ब नहीं होने वाली है पार्किंग के बाद भी। यहाँ पे कुछ जैसे आप देखेंगे तो छोटे गमले रखे हुए हैं खूबसूरती को यहाँ पे बढ़ाने के लिए। ऊपर की डिजाइंस में आप देखते हैं बहुत ही यूनिक सी आपको यहाँ पे लाइटिंग मिलने वाली है। अब ये जो एंट्री है आपके हाउस की, यहाँ पे आप देखेंगे तो ग्रिल और ग्लास का यूज किया है और वुडन फिनिश के साथ में इस एंट्रेंस को तैयार किया हुआ है। साइड में आपके लिए एक और जगह सूरेग आपकी यहाँ पे है, यहाँ पे दी है ग्रेनाइट। और नीचे की तरफ इसमें आप देखेंगे तो प्रोफाइल लाइट्स का यूज किया है। अब यहाँ से अंदर की तरफ मूव करते हैं तो आपका मेन एंट्री जो डोर है वो कुछ इस तरीके का है। डिजाइंस वगैरह आप देख सकते हैं, हैंडल्स वगैरह बहुत ही सुंदर यहाँ पे काम किया गया है। और ये है आपका यहाँ पे ड्राइंग रूम, ड्राइंग एरिया जहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। साथ ही जो डिजाइंस है वो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके की है। तो दोस्तों अगर आप भी जयपुर में वैशाली नगर के आसपास कोई इंडिविजुअल हाउस सर्च कर रहे हैं तो हमारे नंबर नीचे दिए हुए हैं, वहाँ कॉन्टेक्ट कर आप एक अच्छा प्रॉपर्टी आप परचेज कर सकते हैं। और इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी नीचे अलग से नंबर मेंशन किए हुए हैं, वहाँ आपको कॉन्टेक्ट करना है। इसकी फ़ोटो चाहिए, लोकेशन चाहिए, कुछ भी आपको डिटेल चाहिए तो वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। अब ये जो डिजाइंस आप देख रहे हैं इसमें वुडन का काम किया गया है और उस साइड में आप देखेंगे तो लूअर्स का काम यहाँ पे दिया गया है। कुछ जो आपकी डेकोरेटिव आइटम्स है वो आप देख सकते हैं, लाइटिंग वगैरह काफ़ी अच्छा काम आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब यहाँ सामने की तरफ देखते हैं तो कर्टेन वगैरह भी आपको प्रॉपर यहाँ पे अरेंजमेंट करके दिया जा रहा है। ड्राइंग रूम से बढ़ते हैं आगे की तरफ तो आपका लिविंग और डाइनिंग एरिया है और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं साइड में आपका जो लिविंग पार्ट है वो यहाँ भी सोफ़ा अरेंज किया हुआ है। सेंटर टेबल आपकी है। पीछे की साइड की जो डिजाइंस है वो कुछ इस तरीके की है। यहाँ पे जो आपकी सीलिंग डिजाइन है उसमें आप देख सकते हैं दोनों तरफ यहाँ पे लाइटिंग का यूज किया है। मॉडर्न आपका यहाँ पे फैन का यूज किया हुआ है। सब कुछ यहाँ पे बहुत ही परफेक्ट तरीके का आपको मिलने वाला है। यहाँ साइड में है आपका डाइनिंग एरिया 6 सीटर के साथ में। और जो स्टेयर्स है उसकी आप डिज़ाइन देख लीजिए एक बार, कितनी प्यारी है। नीचे की तरफ वुडवर्क किया हुआ है और स्टोरेज के लिए आपको यहाँ पे जगह मिल जाती है। जैसे ड्रॉवर कैबिनेट्स वगैरह यहाँ पे आपको तैयार करा के दिए गए हैं। इस साइड में आपका LED पैनल और LED ऑलरेडी इंस्टॉल्ड यहाँ पर है। नीचे की तरफ ड्रॉवर्स इसमें दिए स्टोरेज के लिए। देखिए ईस्ट फेसिंग का हाउस है, पूरा वास्तु के हिसाब से ये डिज़ाइन यहाँ पे किया हुआ है। अब आप बैक साइड में आप देखते हैं तो यहाँ पे आपका एक पाउडर रूम है, साइड में बेडरूम है, किचन आपकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रहने वाली है। तो सभी अभी देखते हैं बारी बारी से, एक बार ये जो एरिया है इसका लुक देख लीजिए। अब आइए बेडरूम की तरफ और जो बेडरूम है वो भी बहुत ही स्पेशियस साइज में है और यहाँ पे भी आप देखते हैं तो कर्टेन वगैरह प्रॉपर लगाए हुए हैं। किंग साइज का एक बेड अरेंज किया हुआ है और ये जो डिजाइंस है बैक साइड की जो वॉल की, पूरी वॉल यहाँ पे डिजाइनर तैयार की हुई है। और ये प्रॉपर्टी आपको मिलने वाली है 1.70 CR में। 1,70,00,000 रुपये इसकी आस्किंग है। अगर आप हैं इंटरेस्टेड तो नीचे नंबर दिए हुए हैं। और यहाँ आपका LED पैनल है। देखिए डिजाइंस आपको बहुत ही यूनिक यहाँ पे मिल जाती है, चाहे आपकी सीलिंग की हो, चाहे लाइटिंग का काम हो, चाहे फर्नीचर वर्क हो, सब कुछ यहाँ पे आपको बहुत ही अल्टीमेट
जैसा कि आप देख ही रहे हैं मिल रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो अटैच्ड आपका ड्रेसिंग पार्ट रहने वाला है, अटैच आपका बाथरूम एरिया है, और ड्रेसिंग पार्ट भी देखिए यहाँ पे कुछ छोटा नहीं है यार, बहुत बड़ी साइज़ में यहाँ पे देखिए स्टोरेज के लिए स्लाइडिंग डोर के साथ में वुडन में तैयार की हुई है यहाँ पे वार्डरोब। ऊपर की तरफ देखते हैं तो ऊपर भी स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है, और इस साइड में एक बड़ा सा मिरर है। जैसे ये दूरी आप देखेंगे अराउंड 4 फीट के आसपास है, नीचे की तरफ भी इसमें स्टोरेज के लिए जगह है। और यहाँ पे देखिए आप फर्नीचर वर्क, ऊपर की तरफ लाइटिंग का काम है, और यहाँ अटैच आपका बाथरूम एरिया है जिसमें कि जगुआर जैसी ब्रांडेड आपको फिटिंग मिल जाती है। शावर जो एरिया है आपका वो यहाँ पे आपको सेपरेट मिलने वाला है। तो ये हमने यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर का अपना जो बेडरूम था वो देखा। अब यहाँ देखिए ये है आपका बैक साइड एरिया, यूटिलिटी एरिया जहाँ पे आप वॉशिंग मशीन वगैरह रखना चाहो रख सकते हैं, कपड़े सुखा सकते हैं, वेंटिलेशन ऊपर की तरफ भी प्रॉपर इसमें दिया हुआ है। अब हम यहाँ से चलने वाले हैं किचन की तरफ, और जो आपका किचन है वो फुली मॉड्यूलर है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले तो इसका जो एंट्रेंस है वो ही देखिए कितना प्यारा है, लाइटिंग का काम है, वुडवर्क है पूरा का पूरा, और ये है आपका एक यू शेप में बना हुआ काउंटर टॉप जो कि किचन की खूबसूरती को चार चांद यहाँ पे लगा रहा है। देखिए जगह आपको बहुत अच्छी यहाँ पे मिल जाती है, डबल आपका सिंक है, ऊपर की तरफ यहाँ पे कैबिनेट्स दिए हैं, नीचे प्रॉपर ड्रॉवर्स दिए हैं, बर्नर आपका यहाँ पे ग्लेन का ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ग्लेन की आपकी यहाँ पे चिमनी है, ऊपर की तरफ आप देखते हैं तो फैन और सीलिंग का काम प्रॉपर यहाँ पे किया हुआ है। किचन में ही आप साइड में यहाँ पे देखते हैं तो देख ही सकते हैं जो अरेंजमेंट है आपके जो इक्विपमेंट्स है वो किस तरह से यहाँ पे अरेंज किए हुए हैं। तो किचन में भी देखिए कोई यहाँ पे प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, अगर आपकी एक बड़ी फैमिली भी है तो इस घर में बहुत ही आसानी से आप रह सकते हैं, रह ही नहीं सकते यार, बहुत ही अच्छे तरीके से रह सकते हैं क्योंकि इसमें जो एरिया का जो यूटिलाइजेशन है वो बहुत परफेक्ट तरीके से किया हुआ है। तो ये हमने यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर का कंप्लीट टूर किया। अब देखिए आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं और किस पर्पस से देख रहे हैं एक बार आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं कोशिश करूँ कि आपके अकॉर्डिंग भी कुछ जो चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखा सकूँ। और ये जो प्रॉपर्टी है 22x65 की डायमेंशन में है, और इसकी जो अदर डिटेल्स है वो भी मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मेंशन करके दे दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ चेंजेज करूँ वीडियो में, कुछ और सुधार करना हो मेरे को, तो वो भी आप यहाँ पे मेरे को सजेस्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप बता सकते हैं, कमेंट में आप बता सकते हैं। बाकी अब ग्राउंड फ्लोर हमने देख लिया, अब हम चलेंगे यहाँ से ऊपर के फ्लोर पर। तो देखिए ये जो पार्ट होता है स्टेज का, यही आपके हाउस की जो लुकिंग है उसको बेहतरीन बना देता है। और यहाँ पे आपका लिविंग डाइनिंग एरिया की तरफ का जो एरिया है वहाँ से भी आप इस साइड का जो लुक देखते हैं तो बहुत ही एक शाही फील आने वाला है, क्योंकि जो रेलिंग में जो वर्क किया हुआ है वो भी अपने आप में एक काबिले तारीफ़ है। यहाँ की जो वॉल है आपकी साइड की उसमें भी आप देख ही सकते हैं काम। और ये आ गए हम अपने ऊपर के फ्लोर पर, फर्स्ट फ्लोर पर, और यहाँ भी एक सीटिंग अरेंजमेंट आपको मिल जाता है। और ये जो वॉल है आपकी, इसे देखिए कितना अच्छा डिजाइनर लुक यहाँ पे दिया गया है। ऊपर की डिजाइन्स की बात करूँ तो ये भी आपको देखिए कितनी खूबसूरत लाइटिंग के साथ में मिल रही है। और इस साइड में है आपका प्यारा सा एक मंदिर, अब इस फ्लोर पे आप देखेंगे तो बैक साइड में आपका एक बेडरूम है, आगे की तरफ एक बेडरूम है, और यहाँ पे मिल जाता है आपको एक और एक्स्ट्रा एक छोटा एरिया जहाँ पे आप स्टोरेज के लिए इसे यूज कर सकते हैं, या फिर जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, नीड है आपकी, उस तरीके से इसे यूज कर सकते हैं। ये जो बेडरूम है सेम आपको मिल जाता है उसी डायमेंशन के साथ में जो ग्राउंड फ्लोर पे था, और इसमें जो वर्क किया हुआ है उस पर आप एक बार नज़र मार लीजिए। और हर एक रूम में आपको जो सीलिंग का काम है वो अलग मिलने वाला है। यहाँ भी एलईडी का जो पैनल है, पैनल नहीं यार बहुत बड़ा पैनल यहाँ पे दिया हुआ है, देख ही सकते हैं आप, काफ़ी बड़ी एलईडी भी आप यहाँ पे इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। इस रूम में भी आपको ड्रेसिंग पार्ट, वार्डरोब, अटैच बाथरूम सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है, देख ही सकते हैं आप। देखिए घर में क्या होता है, आपको
स्टोरेज के लिए जगह चाहिए होती है, पार्किंग के लिए जगह चाहिए होती है, और वो सारी चीज़ें जो है जो चाहिए होता है वो सब कुछ ये घर आपको फुलफिल करने वाला है। क्योंकि दोनों ही रूम में आपने देखा, यहाँ पे अब तक हमने दो रूम देखे, उनमें स्टोरेज के लिए बहुत अच्छी यहाँ पे जगह आपको दी जा रही है। साथ ही देखिए, एक होता है पार्किंग के लिए, तो पार्किंग की यहाँ पे आपको दो गाड़ियों की जगह मिल जाती है, और डिजाइंस वगैरह बहुत ही मॉडर्न यहाँ पे मिल ही रही है। अब यहाँ से भी एक बार आप लुक देख लीजिए ऊपर की तरफ, ऊपर भी अभी हम चलने वाले हैं। तो जो आपका फ्रंट का रूम है, इसमें आप देखते हैं तो ये देखिए किंग साइज का एक आपका बेड, और बेड में भी आप देखेंगे नीचे की तरफ तो स्टोरेज के लिए यहाँ भी जगह मिल जाती है। बैक साइड का काम आप यहाँ पे देख ही रहे हैं किस तरीके का है। एक बार सीलिंग की जो डिजाइंस है वो देख लीजिए, फिर यहाँ पे जो आपका अटैच्ड ड्रेसिंग पार्ट है, वार्डरोब सेक्शन है, उसका लुकआउट देखिए। यहाँ है आपका बाथरूम एरिया, जिसमें कि फिर से आपको सेपरेट मिलने वाला है आपका शावर एरिया, वेस्टर्न सीट के साथ में आपका बाथरूम। टाइल वगैरह का काम भी आप देख लीजिए किस तरीके का है, और इस रूम से कनेक्ट करती है आपकी बालकनी। देखिए UPVC स्लाइडिंग आपका यहाँ पे डोर दिया हुआ है, और जो बालकनी का एरिया है वो 8 फीट आपका वाइड है, और अराउंड 20 फीट के आसपास इसकी लेंथ है, देख ही सकते हैं आप। इस साइड में देखते हैं तो सामने की तरफ ग्लास और एसेस का काम है, आगे की तरफ देखिए आयरन में कुछ डिजाइन यहाँ पे दी हुई है, और इस साइड की जो वॉल है उस पर आप देखेंगे तो स्टोन फिनिश के साथ में आपको काम मिलने वाला है। अब हम चलेंगे यहाँ से सेकंड फ्लोर पे, और वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके का क्या काम आपको करवा के दिया जा रहा है। तो उम्मीद है आपको ये प्रॉपर्टी आज की पसंद आई होगी, और पसंद आई तो वीडियो को लाइक तो देखिए करना ही है, चैनल को भी सब्सक्राइब आपने नहीं कर रखा तो वो भी आपको कर लेना है। यहाँ पे आप जो झूमर आपका देखते हैं यह बहुत ही शानदार तरीके का है, और यहाँ भी एक सीटिंग अरेंजमेंट आप करना चाहे वो आप कर सकते हैं। एक वॉल को हर जगह यहाँ पे डिजाइनर लुक दिया है, चाहे वो आपके ड्राइंग रूम की हो, चाहे बेडरूम की हो, चाहे आपका जो लॉबी एरिया या फिर हम कह सके कि एक हॉल का एरिया, सभी जगह आपको डिफरेंट तरीके का और अच्छा काम मिलने वाला है। देखिए आपकी छत यहाँ पे डिवाइड हो जाती है दो पार्ट में, ये आपका बैक साइड का पार्ट है, यहाँ भी आपका स्लाइडिंग डोर, और यहाँ से सामने की तरफ है आपका एक और पार्ट। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो एक रूफटॉप आपका गार्डन एरिया, जहाँ पे कुछ गमले वगैरह कुछ और भी आप रखना चाहे सीटिंग अरेंजमेंट वो कर सकते हैं। तो ये था आपका 22x65 की डायमेंशन में बना हुआ एक प्यारा सा हाउस। उम्मीद है आपको आज का प्रॉपर्टी पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं आपसे फिर एक नई प्रॉपर्टी के साथ, थैंक यू।